ओके, आखिर मैं पहुंच गया हूं अब 3 दिन की ट्रैकिंग के बाद। और फर्स्ट यहां पहुंचने के लिए आपको नैनीताल होते हुए आपको बागेश्वर पहुंचना है, जिसमें आपको पूरा 1 दिन लग जाता है। और बागेश्वर से कपकोट होते हुए मैं आया हूं खरकिया। खरकिया से जो अभी ये वाली जगह है, ये है जयकुनी धार, और खरकिया से ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर है। उस पार में हिमालय की जो रेंज दिख रही है आपको, ये है आपकी बागनी ग्लेशियर वाली, और जो पिंडारी का जो फेमस ट्रैक है वो इस साइड पे जाता है। तो इस बार जो सड़क बनी है वो यहाँ से बन चुकी है, लेकिन पहले सड़क थी नहीं। और मैं रुका हूँ आपको एक बहुत ही खूबसूरत से पहाड़ी होम स्टे में। इसका पूरा जो आर्किटेक्चर है वो पहाड़ी कल्चर से रिलेटेड है, तो मैं आपको इसका इनसाइट व्यू दिखा देता हूँ किस टाइप का है, तो आपको समझ में आएगा कि पहाड़ी होम स्टे किस टाइप का होता है। यहाँ कहीं सारे लोग महीनों आकर के रुकते हैं, तो आपका भी कुछ ऐसा प्लान है तो कम बजट में आप महीनों आके यहाँ पर रुक सकते हैं, नोमैडिक होने के लिए, अपने आप में खोने के लिए पहाड़ी होम स्टे को। और ये है हमारा पहाड़ी होम स्टे का बेड, और इसकी जो आपकी वॉल जो दीवारें दिख रही है ये पत्थर की बनी हुई है। ये वाला जो आपका मार्बल वाला जो ये पत्थर है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोन रहता है ये। ये बेसिकली हिमालय के आउटर बेल्ट में ही मिलता है, और इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये वाला जो वुडन है, ये भी प्योर पाइन ट्री का बनता है, जिसे हम चीड़ या फिर देवदार भी कहते हैं। तो ये भी बहुत खुशबूदार लकड़ी होती है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर पहाड़ी होम स्टे में पत्थर और लकड़ी के मकान में रहते हैं तो आप कभी अपने लाइफ में बीमार नहीं पड़ सकते, तो इसका हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो सुकून और शांति, ये ठंडा रहता है, और सबसे खास बात है कि गर्मियों में बहुत ठंडा रहता है ये, तो ऑटोमेटिकली नेचुरल एसी का काम करता है, इसमें पंखे या फिर कूलिंग सिस्टम की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। टेरेस सिस्टम दिखा देता हूँ छत का, तो आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी लकड़ी का बना हुआ है इस साइड से। और बेडिंग के लिए इन्होंने दिया हुआ है सिंपल, लेकिन जो मेन इसका पहाड़ी होम स्टे का जो मेन फेमस बात है वो है आपका स्टोन की वॉल। इसमें कहीं भी किसी कंक्रीट का यूज नहीं किया गया है, और इसके ऊपर जस्ट एक लकड़ी की छत है, और इसके ऊपर से वो भी पत्थर की छत है। चलिए इसके बाहर का देखते हैं किस। तो अभी हमने समझा जो पहाड़ी होम स्टे होता है उसकी जो सिंपल जो दीवारें हैं वो स्टोन की है, अपर साइड में वो लकड़ियां हैं, अल्पाइन ट्री या फिर चीड़ या फिर जो कोरधारी वन कहते हैं उसको कह देते हैं, और इसके जो आउटर साइड में जो इसकी छत होगी वो पत्थर की बनी होगी। उसको देखते हैं बाहर से किस टाइप की छत बनी है ये। तो अभी मैं यहाँ से निकला हूँ, और तो इस टाइप की ये पत्थर की छत बनी हुई है यहाँ से। और ये देखिए यहाँ पे भी किसी भी प्रकार के कोई भी इसको ज्वाइंट करने के लिए कील का यूज नहीं किया गया है, और ये जो बनी हुई है पत्थर की छत है यहाँ पर को, और ये एक के ऊपर एक सटाई गई है ना, लेकिन ये निकलती नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। इसके और लकड़ी के छत के बीच में आपको मिट्टी मिलेगी, और उसके बाहर साइड आउटर साइड में स्टोन का जो ये पटाल दिख रही है आपको, इसकी पूरी प्लेट दिख रही है ये वाली हो जाती है। और एक खूबसूरत सा पीछे बैक साइड में ऑर्गेनिक पोटेटो ऑर्गेनिक आलू भी बोया हुआ है, तो गोबर किया जाता है आपको, इसीलिए गांव में पूरी की पूरी हरियाली है, पूरी गांव में शांति है, और बहुत कम लोग यहाँ पर रहते हैं। मैं आके बड़ा खुश हुआ हूँ, ऊपर साइड में पूरा ग्रीन जंगल है यहाँ पे। और की अभी बात करें तो प्री मानसून स्टार्ट हो चुका है, और धीरे धीरे बादल छाने लगे हैं, और इसके बाद में यहाँ स्टार्ट होगा बरसात का। तो दोस्तों देखा आपने पहाड़ी होम स्टे कैसा होता है। जो रियल पहाड़ी होम स्टे होता है हिमालय की आउटर बेल्ट पे, वो कुछ इस टाइप का होता है। तो बाहर की दीवारों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, और ये छोटी छोटी जो विंडो है छोटी छोटी इसलिए रखते हैं क्योंकि हिमालय जो उस साइड से हिमालय से जो विंड आती है बहुत तेज, वो ज्यादा इफेक्ट अंदर ना कर सके, ज्यादा हवा ना जाए, इसलिए बहुत छोटी छोटी विंडो इसमें रखते हैं। और बाकी का सेम सिस्टम है, इसके बीच में इसको ज्वाइंट करने के लिए कोई भी कॉन्क्रीट या फिर गोबर मिट्टी का कुछ यूज नहीं किया गया है, सीधे एक के ऊपर एक पत्थरों को ऐसे चिपकाया गया। और सबसे बड़ी खास बात है यहाँ पर जो स्टोन मिलते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलता है। इसको आपको वॉल या फिर दीवार लगाने के लिए या मकान बनाने के लिए, होम स्टे बनाने के लिए, कुछ भी स्ट्रक्चर करने के लिए आपको ज्यादा काटपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सबसे बड़ी खास बात है। और इसके ऊपर जो दिख रहा है आपको सेम मैं दिखा देता हूँ, सेम लकड़ी का दिख रहा है, ऊपर भी आपको एक पाइन की लकड़ी डाली हुई है, और सीधे सीधे उसके बाद में सीधे पत्थर की पटाल।
तो कमेंट कीजिए आपको पहाड़ी होम स्टे कैसा लगा, और कभी आप यहाँ आना चाहते हैं या कभी पहाड़ी होम स्टे में आप रुके हैं तब भी आप कमेंट कीजिए। और मैं हूँ अभी जैकुनी में, यह है पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक की खूबसूरत सी जगह का जैकुनी गांव। यह है हिमालयन मैरिजुआना और सामने है आपका हिमालयास।